बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डाई विज़िट के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा एक मॉडल क्रिएट करना है, जो मैं आपके सामने अभी क्रिएट करता हूँ। इस तरह आप एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद डाई विज़िट के लिए आपको यहाँ पर विज़िट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको डाई सेलेक्ट करना है। आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कंपोजिट कर्व, जो कि ऑटोमेटिकली डाई विज़िट के अंदर क्रिएट हो चुकी है, वहाँ पर हम इस को एज इट इज़ रहने देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने मटेरियल के ऊपर श्रिंकेज अलाउंस देना होता है। पावर शेप के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल के लिए श्रिंकेज अलाउंस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मौजूद है। तो मैं फ़िलहाल इसको APS के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो मटेरियल है, जो कि ब्लॉक है, जो कि हमने इस पार्ट को मोड को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना है, ये उसकी डायमेंशन है। आप इसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाई केल होंगे और ये एक्स केल होंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्प्लिट लाइन है, जहाँ पर मोल्ड और कैविटी आपस में जुदा जुदा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक है उसकी ये हाइट है 90। आप इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसकी हाइट को एडजस्ट कर लेंगे। इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास कॉर्नर है उनकी टाइप्स है कि आप कॉर्नर किस तरह के रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर शैम्फर सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और ये हमारा मोल्ड जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसका व्यू लेना चाहते हैं, तो व्यू लेने के लिए आप जैसे जैसे इस कर्सर को आगे करते हैं तो ये सेपरेट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप इसको सेपरेट भी करके देख सकते हैं और इसका व्यू ले सकते हैं। तो ये हमारी कैविटी साइड है, ये हमारा पंच साइड है और ये हमारा जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो डाई विज़र्ड है वो मुकम्मल हो चुका है और हमने विद द हेल्प ऑफ पार्ट मोल्ड और कैविटी क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद आप जो हमारा ऊपर वाला मोल्ड का हिस्सा है उसको सेलेक्ट करके वर्क के होम के अंदर आएँ और यहाँ पर आप इसको कलर के अंदर आकर कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल हमारा जो कैविटी साइड है उसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ और हमारी जो यहाँ पर पंच साइड है उसको अब मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारी पंच साइड कौन सी है और हमारी कैविटी साइड कौन सी है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेवल्स का इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लेवल क्रिएट करेंगे और 5 नंबर के अंदर मैं इसको कैविटी का नाम देता हूँ, 6 नंबर के अंदर मैं पंच और 7 नंबर के अंदर मैं अपना पार्ट रखता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर गुड के ऊपर क्लिक करके क्रॉस के ऊपर क्लिक करके इसको कोड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पर हमारे लेवल क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं कैविटी को सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास 5 नंबर जो लेवल है उसके अंदर माउस को लाकर मैं माउस का जो सेंटर वाला व्हील है उसके उसको दबा कर इसके अंदर मैं कैविटी को ईज़िली यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं पंच के साथ भी करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद माउस का सेंटर वाला बटन दबाया और ये उसके अंदर चले गई।
इस तरह मैं पार्ट को सिलेक्ट करके तो उसको भी इस लेवल के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप लेवल की मदद से हमारे पास जो पार्ट है डाई के उनको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने डाई विज़र्ड के बारे में स्टडी करनी थी, तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।